कोट का प्रखंड को धीरोल पंचायत का रोल्डी गांव जो बरसात के दिनों में चार महीने तक पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। गांव तक पहुंचने के सारे रास्तों में पानी भर जाता है। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर आप चौंकिए मत, यही हाल है। गुटका प्रखंड के पश्चिम दिशा में प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर जंगल से सटा हुआ गांव है, जहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, मगर दोनों रास्ते इतने जर्जर हैं कि आप उस गांव तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव में विकास की किरण आज तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण पूरे गांव के लोगों ने 2019 को विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया। सड़क नहीं तो वोट नहीं, मगर प्रशासन की ओर से वोट बहिष्कार को रोकने के लिए प्रखंड तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार द्वारा एक लिखित आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया कि जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, सबसे पहले आपके गांव की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा, मगर चुनाव खत्म हो गया। बीडीओ साहब चले गए, आज गांव के लोग सड़क सहित कई मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। जयराम हांसदा कहते हैं कि गांव में विकास की किरणें अब तक नहीं पहुंच पाई, पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि गण सिर्फ आश्वासन ही देते रहते हैं। रोल्डी गांव में कुल महिला पुरुष मिलाकर 786 वोटर हैं। गांव की कुल आबादी लगभग 1200 है। गांव में अभी पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। यह गांव में 3 जल मीनार है, वह भी खराब पड़ा हुआ है। लोग नदी के जल से पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। गांव तक पहुंचने का सड़क नहीं है, सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। लोग उस सड़क के बीच में गाय बैलों को धोना, स्वयं नहाना एवं बाइक धुलने का काम करते हैं। गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। गांव से बाहर 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस को रखकर गांव वाले खाट के सहारे मरीजों को कंधे पर टांग कर 2 किलोमीटर दूर रोल्डी पहुंचाते हैं, जिसके बाद मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गांव के छोटे छोटे बच्चे गांव से बाहर मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जमशेदपुर से स्वदेशवाणी के लिए शिवशंकर साह की रिपोर्ट। आज आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी जो हम लोग गाँव रोल्डी पोटका प्रखंड के अंतर्गत तिरल पंचायत में गाँव रोल्डी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जो कि हम लोग 2019 विधानसभा चुनाव गांव वाले हम लोग वोट बहिष्कार किए थे। वोट बहिष्कार के बावजूद हम लोग BDO साहब कपिल प्रसाद थे उस समय, कपिल देव प्रसाद ने हम लोग का लिखित दिया आश्वासन दिए कि इसके बाद जो भी विकास का काम होगा हम आप लोगों का होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रशासन ने हम लोग को कुछ आश्वासन देने के बजाय और कुछ किए नहीं, और जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ हम लोग जब आए थे वोट बहिष्कार के समय, फिर उन लोग भी आश्वासन दिए कि जो भी हम लोग जीत के जाएंगे विकास का काम होगा तो यहाँ रोल्डी में प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन अभी जीतने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि झांकने भी नहीं आए, तो हम लोग का देखिए रोड तो चारों तरफ से बंद है, बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होता है, यहाँ खाद्यान्न भी नहीं मिलता है, दूसरा गाँव में वितरण होता है, और हमारे जो स्कूल बच्चा बच्चे लोग हैं इन लोगों के भी जाने आने में बहुत तकलीफ होता है, और जो है हम लोग के यहाँ जो पेशेंट होता है पेशेंट का भी जाने में जो बहुत ही तकलीफ होता है, खटिया से